कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया। संकट की इस घड़ी में गरीब तबका आहत ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोरोना की दूसरी लहर में भी इस योजना को जारी रखा गया। किन्नौर जिले में योजना के तहत 606 पात्र राशन कार्ड धारकों के 20,321 लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया गया। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि योजना के तहत इन लाभार्थियों को अगले नवंबर माह तक मुफ्त राशन की व्यवस्था जारी रहेगी। जो ये महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें इस साल, ये पिछले साल भी चली थी जब कोविड चला था, पिछले साल भी ये 6 महीने चली थी, इस साल भी ये मई 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक चलेगी। इसमें अभी तक 31 जुलाई 2021 तक हमने 6,006 राशन कार्ड होल्डर्स को 3 किलो गंदम और 2 किलो चावल पर मंथ अभी तक दिया है, मई से जुलाई तक, और इसमें टोटल लाभार्थी जो है 20,321 हैं। वहीं लाभार्थी महिलाओं ने इस सुविधा के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। मेरे परिवार को 5-5 किलो राशन फ्री मिला, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जो मुफ्त राशन दिया, हमारे भी हर परिवार को 5-5 किलो राशन मिला है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। निश्चित तौर पर कोरोना काल में गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाभकारी बनी है। DD News के लिए किन्नौर से सीताराम नेगी की रिपोर्ट।